नगर के कई होटलों में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में कई विभागीय अधिकारियों का निरीक्षण, उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में विद्युत विभाग, फायर ब्रिगेड और नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर के होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया, जिलाधिकारी की ओर से टीम गठित की गई है, जिसमें अग्निशमन, मजिस्ट्रेट, विद्युत विभाग और पुलिस क्षेत्राधिकारी की ओर से भी टीम गठित की गई है। फूड इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया, इन टीमों को नगर के सभी होटलों का सर्वे कर 2 दिन में रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट अंकित जैन। देखिए, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से टीम गठित की गई है। इसमें अग्निशमन वाले हैं और मजिस्ट्रेट्स हो गया आपका, और इसमें पुलिस का सीओ साहब का भी टीम गठित है, और विद्युत से हैं एक्सचेंज साहब, और इसमें फूड इंस्पेक्टर हैं, और अधिशासी नगर पालिका से भी हैं लोग, और नक्शे से हमारे जेई साहब हैं। तो ये सब टीम जो है पूरा सभी होटलों का सर्वे करना है और 2 दिन में रिपोर्ट दिया जाना। तो उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए और जो हमने चेक किया जो है, इसमें इनका भी फायर वाला जो है ये पूरी तरह, इन लोगों को कई बार नोटिस दिया इन्होंने लगवाया है, तो अभी हमने भी देखा वो पूरा टैंक से जुड़ा नहीं है इनका जो है। और बाकी बिजली विभाग वाले अपना रिपोर्ट अलग देंगे, बाकी फायर सेफ्टी वाले में थोड़ा ये देखा गया कि इनका जो है एक तो एग्जिट नहीं है इनका अलग से, और जो है ये बाकी इनका जुड़ा नहीं है अभी, तो इनको कहा गया है 3 दिन में से कराएं इसको पूरा जो है।